हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मलाई पेड़ा। आप बहुत ही आसानी से इसे घर में बना सकते हैं। जैसा कि त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो गया है, जन्माष्टमी आने वाली है, गणेश उत्सव आने वाला है, तो आप इसे बना के भगवान को भोग लगा सकते हैं। और ये घर का बना हुआ शुद्ध पेड़ा है, आप इसे फास्ट में खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पेड़ा बनाने जा रही हूँ। इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कटोरी शक्कर और 8 से 10 बादाम लिए हैं। और यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसे अच्छे से हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। देखिए दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। इसे हमें चलाते रहना है अच्छे से, ध्यान देके, नहीं तो ये नीचे लग सकता है। और साइड में जो भी मलाई लगे उसे इस तरह से निकालते रहिए। देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी, ये मैंने 4 इलायची को हल्का ददरा पीस लिया है। इससे अच्छी खुशबू आएगी हमारे पेड़े में। फिर इसे मिक्स करेंगे। इसे हमें अभी और गाढ़ा करना है। देखिए दूध एकदम गाढ़ा हो चुका है, मैं दिखा सकती हूँ आपको। देखिए किस तरह से ये एकदम गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हमें डालना है शक्कर। मैं इसमें कम शक्कर डाल रही हूँ। आप जैसा शक्कर खाते हो, ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं इसमें 4 बड़े चम्मच शक्कर डाला है मैंने। शक्कर डालने के बाद में ये थोड़ा सा पतला होगा, तो हमें फिर से इसे ठीक करना है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। इसे 2-3 मिनट तक फिर से पकाना है हमें। और साइड से सारी मलाइयाँ इस तरह से निकालते रहिए। देखिए ये अच्छे से, आप देख सकते हैं किस तरह से ये गाढ़ा हुआ है एकदम। इसी तरह से हमें गाढ़ा चाहिए। पतला रहेगा तो पेड़ अच्छे से नहीं बन पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ ये किस तरह से गाढ़ा बना हुआ है। ये देखिए हमें इसी तरह से चाहिए। अब गैस को बंद करके इसे आधा घंटा के लिए ठंडा होने देते हैं। गैस को ऑफ कर दे रही हूँ, इसे ठंडा होने देते हैं आधा घंटा। देखिए ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। और मैंने यहाँ पे बादाम को आधा आधा टुकड़ों में काट लिया है। तो चलिए पेड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा हाथ में लेके इस तरह से गोला करके हल्का सा इस तरह से चपटा कर दीजिए। इसे मैं इस प्लेट में रख रही हूँ यहाँ पे। इसी तरह सारे पेड़ों को बना लेना है हमें अच्छे से। देखिए इस तरह से करके आपको जिस साइज का चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब ये जो बादाम हमने कट करके रखा है उसे इस तरह इसके ऊपर चिपका देना है हमें। जैसे जैसे ये ठंडा होते जाएगा वैसे वैसे ये और भी टाइट हो जाएगा। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी बताना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें। थैंक यू।